खबरों में हम बात करते हैं जनपद उन्नाव के, जहां पूर्वा कोतवाली क्षेत्र के कस्बे में सरकार के द्वारा मुफ्त में बांटी जा रही फाइलेरिया की दवाई खाने से युवक की इलाज के दौरान सीएचसी में मौत हो गई। वहीं आपको बता दें कि कस्बे के करीब एक दर्जन पुरुष महिलाएं भी गंभीर हालत से सीएचसी में अपना इलाज करा रही हैं। सर, फाइलेरिया की दवा खाने से एक व्यक्ति की मौत हुई थी, रोड जाम की गई थी, जिसके बाद पुलिस ने महिलाओं पुरुष सबको लाठी भांजी और डेड बॉडी को जबरन उठाकर लोडर में लाद दिया। क्या है पूरा मामला? देखिए, एक सूचना मिली थी कि रोड जाम हुआ है, जिसपे यहाँ के लोकल एसडीएम और सीओ गए थे और इन लोगों के द्वारा बताया गया था कि कोई दवा बटी है और उसके खा के मतलब इनका कहना है कि उसके खाने से इसकी तबीयत खराब हो गई। लेकिन मैं बताना चाह रहा हूँ कि इस ज़िले में 22 लाख लोग इस दवा को खा चुके हैं और पूरे प्रदेश में प्रोग्राम चल रहा है, ऐसी कोई बात नहीं है। फिर भी एहतियातन पीएम कराया जा रहा है और यदि कोई पीएम में कोई बात निकल के आती है तो आगे विधिक कार्रवाई। सही, इलाके में बहुत लोग भी बीमार हैं। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, अभी कोई सीएससी पीएससी में हमने दिखाया कहीं ऐसी बात। सर, जैसा कि मृतक है, जो मृतक की पत्नी को भी लाठियां पड़ी हैं पुलिस की, उसके चोटें आई हैं। ऐसा कोई चोट नहीं है, मेडिकल करा लें अगर चोट आई हो तो। सर, जैसा कि मामला संज्ञान में आ रहा है कि फाइलेरिया दवा खाने से ये बीमार हुए और एक युवक की मौत हुई है, क्या लगता है क्यों ऐसा हुआ? ये एक कोइंसिडेंट है, कोइंसिडेंट का है कि अचानक किसी घटना को किसी घटना से जोड़ दिया जाता है। जैसे अभी पूर्व भी उन्नाव जनपद में कई इस तरह की घटनाएं हो जाती हैं, जिसको अगर एक हो जाती है तो आदमी के दिमाग में बैठता है कि चीज़ है। ये सरकार का बहुत महत्वपूर्ण प्रोग्राम है जिसमें हाथी पौ जैसी बीमारियां जो होती थी उसको बचाव के लिए एक साथ 75 जिले में और सारे गांव में गए, जनपद में भी करीब 22-23 लाख लोग दवा ये खा चुके हैं। ऐसा कहीं भी सुनने को नहीं आया कि उसमें इस तरह की कोई दिक्कत आई। ये जरूर है कि कोई ड्रग से अगर कोई सेंसिटिव होता है, अब हमें नहीं पता होता हमारा शरीर किस चीज़ को एक्सेप्ट करता है नहीं करता है, कोई चीज़ खाने से लाल चित्ते पड़ते हैं, तो एक ये लोगों में भ्रामक हो गया है कि इस तरह की आई है। जिसकी मृत्यु हुई है उसकी सुबह चूँकि मृत्यु हुई है, 1 बजे उसने दवा खाई है, कल अब पोस्टमार्टम हो रहा है। अगर बिस्तर में कोई चीज़ ऐसी दवा से निकल के आती है तो हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ नहीं आती है तो ये इस प्रोग्राम को एक महत्वपूर्ण प्रोग्राम है, इसमें फर्क पड़ेगा और हम नहीं चाहते हैं कि उस तरह का इस तरह किसी पर कोई दिक्कत है।